घूस रकम सहित पकड़ परेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय का तत्कालीन उपसचिव प्रमोद नेपाल विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर विशेष अदालत का अध्यक्ष नारायण कुंवर सदस्य राम बहादुर थारारी बाबू श्रेष्ठ को शुक्रवार को इजलास लेद्दा में दोषी ठहर हो इजलास नेपाल एक वर्ष कैद सजा रख रुपया जरिमा होने फैसला सुनाक अदालत का प्रवक्ता धनबहादुर प्रतिवादी बनाई बीबी एयरवेज का, का तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत हरिभक्त श्रेष्ठ ने इजाजत पत्र नवीकरण का सोलह लाख रुपया घुस ली अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान को ठहर थी बीबी एयरवेज का कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ ने घूस नभई सापटी दी बयान दिए उपसचिव नेपाल दुई हजार उना अस्सी साउन सत्र गते नागपोखरीको होटल अरियन्टको परिसरबाट साढे बाइस लाख रुपियाँ घुस रकम रकमसहित पक्राउ परेका थिए पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तरका गोल्ड मेडलिस्ट हुन्